हेलो गाइस, सो जैसे कि गर्मियों का सीजन आ गया है, अब इस सीजन में वाटरमेलन, मस्क मेलन अच्छे अमाउंट में मार्केट में आते हैं। काफ़ी सारी फीमेल्स को ये फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि अरे प्रेगनेंसी में तो इस फ्रूट को नहीं खाना चाहिए, ये बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए अच्छा नहीं है प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या आप प्रेगनेंसी में मस्क मेलन सेफली खा सकते हो, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं आपके लिए प्रेगनेंसी में, इसको कितने अमाउंट में खाना चाहिए। मैं डॉक्टर कृतिका वर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी मस्क मेलन के फायदे। सो फ्रेंड्स, मस्क मेलन एक सुपर फ्रूट माना जाता है, क्योंकि मस्क मेलन यानी कि खरबूजे में बहुत ही हाई अमाउंट में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो देखिए कितने सारे विटामिन्स मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुपर फ्रूट कहा जाता है। अब क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड और विटामिन B9 होता है, उसकी वजह से ये आपको न्यूरल ट्यूब, आपके बेबी में होने वाले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को डिक्रीज करता है, यानी कि बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का जो रिस्क होता है होने का, उसको कम कर देता है। इसमें क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए होता है, ये तो सभी को पता है कि विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसकी हेल्प से आपके बेबी की आँखों का डेवलपमेंट, आँखों की रोशनी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है आपकी बेबी के लिए। थर्डली, इसमें विटामिन सी बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है, जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को तो इंक्रीज करता ही है, साथ में आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसमें विटामिन सी अच्छे अमाउंट में होने की वजह से और साथ ही साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। देन इसमें हाई अमाउंट ऑफ फाइबर्स होते हैं, जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ में प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो ये आपको प्रेगनेंसी में होने वाले कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगा। तो फाइबर्स के हाई अमाउंट से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप प्रेगनेंसी में मस्क मेलन ज़रूर खाओ। देन इसमें हाई अमाउंट ऑफ आयरन होता है, जो कि आपको एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेगा, यानी कि प्रेगनेंसी में आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम होने की वजह से ये बेबी के बोन्स के डेवलपमेंट, टीथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देन इसमें और क्या विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, देखिए इसमें पोटेशियम बहुत ही हाई अमाउंट में होता है, जो कि आपको लेग क्रैम्प से प्रिवेंट करेगा, साथ ही साथ में प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ जाता है उससे भी आपको बचाएगा। साथ ही साथ में इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो कि आपको हार्ट डिसीजेज होने का या फिर आपकी जो लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज हो जाती है उसका भरने का खतरा कम कर देता है। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो मस्क मेलन होता है ये लो कैलोरी फूड होता है, तो जो फीमेल्स जिनका प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा वेट गेन हो रहा है वो मस्क मेलन को सेफली खा सकती हैं, उससे उनको कैलोरीज ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ जो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो सारी मिल जाएगी। लेकिन आपको इसको खाने के लिए, जब भी आपको इसको खाना है तो आपको इसको अच्छे से वॉश करके ही खाना है, क्योंकि इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है उस पर लिस्टीरिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि अगर गलती से भी आपके अंदर चला जाता है तो आपको और आपके बेबी को, दोनों को इफेक्ट करेगा। बेबी में इसकी वजह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आपको जब भी अब ये मत सोचिएगा कि मस्क मेलन हमें नहीं खाना है प्रेगनेंसी में, आपको जब भी मस्क मेलन खाना है उसको अच्छे से वॉश करिए। एक तो सबसे पहले पानी में थोरली वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि पानी में उसको सोख करके छोड़ दो 15 मिनट के लिए, साथ में उसमें एक ढक्कन विनेगर डाल दो, उससे क्या होगा लिस्टीरिया मर जाता है। उसके बाद उसको पानी के नीचे अच्छे से वॉश कर लो और तब उसका जो ऊपर का कवर है उसको पील ऑफ करके अंदर का पल्प आप खा लो। जब आप पल्प खाते हो तो वो एकदम सेफ है प्रेगनेंसी में, साथ ही में आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी में ज़रूर खाना चाहिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से खाओ, ऐसे नहीं कि जल्दी में बस ऐसे ही खा लिया, वॉश करा नहीं बस खा लो कि अरे ऊपर का कवर तो हटा ही लेंगे, अंदर का ही तो खाना है तो वॉश करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको पहले उसको वॉश करना है, तभी पील ऑफ करके कवर, तब खाना है। सो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का स्पेशल ध्यान ज़रूर रखना है। हाँ, एक और चीज़ है, आपको इसको मॉडरेट अमाउंट में खाना है, ऐसे नहीं कि बहुत सारा मस्क मेलन खा लिया पसंद है तो कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, चलो इसे बहुत सारा खा लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ी ही अमाउंट में, एक बाउल के करीब आप इसको खा सकते हो।
सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना कि मस्क मिलन के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन इसको ठीक से धो के ही आपको खाना चाहिए जिससे कि न्यूट्रिएंट वैल्यू इसकी आपको अच्छे से मिल सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी सारी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू, बाय बाय।